वेलकम बैक गाइस। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अगली वीडियो हुक के ऊपर बनाऊंगा। तो ये एक्सरसाइज है, टॉप 5 एक्सरसाइजेस फॉर हुक। अगर आपके पास वही सेम इक्विपमेंट है जो आपके पास पिछली वीडियो में थे टॉप रोल में, सिर्फ एक वेट प्लेट्स है आपके पास, रॉड है, बेल्ट है, एक और रेजिस्टेंस बैंड है, तो इन्हीं चार इक्विपमेंट से आप ये पाँचों एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो हमारी पहली एक्सरसाइज होगी बेल्ट और वेट के साथ ही। जैसे पिछली वीडियो में प्रोनेशन के लिए मैंने बताया था, तो आपको बेल्ट कैसे बांधनी है और वेट में कैसे डालनी है आपको पता है। तो इसमें सबसे पहले जो बेल्ट का ये लूप वाला हिस्सा है, उसमें थंब इस साइड से डालना है। पिछली वाली में थंब इस साइड से डाला था, तो अभी थंब ऐसे डाला ताकि ये जो बेल्ट का ये वाला हिस्सा है ये इस साइड को आए, हमारे फोरआर्म के बाहर अंदर वाली साइड को। और फिर ये जो नॉट वाला हिस्सा है ये पाम के इधर से आते हुए ऊपर आ जाएगा, नॉट ऊपर आ जाएगी ताकि आपको पकड़ने के लिए मिले। तो ये ऐसे रहेगा। उसके बाद सेम इसमें भी थोड़ा सा इधर को टिल्ट हो जाना है और इस एल्बो का यहाँ पे रख सकते हैं और इसको सुपिनेट करना है हाथ को और इसको ऑपोजिट चेस्ट की तरफ टच करना है। थोड़ा सा और खड़े होके भी कर सकते हैं ताकि आप और नीचे जा सके रेंज में। इसमें भी आप फैट ग्रिप लगा सकते हैं, जो नॉट वाला हिस्सा था उसके जस्ट नीचे मैंने फैट ग्रिप लगा दी ताकि अब मेरे को पकड़ने के लिए कुछ मिले यहाँ पे। तो अब सेम यही, और फिर मेरे को इस हाथ से सुपिनेट करना है और थोड़ा सा अलना डिवेट करना है और हाथ को कोशिश करनी है हल्का सा फ्लेक्स रहे मेरा। तो हमारी अगली एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल आप कर्ल वाली रॉड पे भी कर सकते हैं और स्ट्रेट रॉड पे भी कर सकते हैं। स्ट्रेट रॉड पे थोड़ा ज्यादा सुपिनेशन मिलेगा आपको। इसमें आप फैट ग्रिप भी लगा सकते हैं, बिना फैट ग्रिप पे भी कर सकते हैं। बस बाइसेप कर्ल में आपको पूरा नीचे नहीं आना है क्योंकि आर्म रेस्टिंग में पूरा नीचे नहीं आते हैं, तो आप हल्का सा बेंड रख सकते हैं हाथ और ये जो थंब है ये नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं। स्टैंडिंग बाइसेप कर्ल से बढ़िया आप सीटेड बाइसेप कर्ल कर सकते हैं। सीटेड बाइसेप कर्ल में एक तो आपके हाथ पहले से ही थोड़ा बेंड रहेंगे, तो आपको नीचे बेंट आर्म में होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे रेस्ट ले कर सकते हैं और आपकी ट्रंक भी नहीं थकेगी ज्यादा वेट पे करने में, क्योंकि आर्म रेस्लर्स वैसे भी बहुत ज्यादा वेट पे बाइसेप कर्ल करते हैं। तो इसमें भी आपको स्ट्रेट रहना है, आम हल्के से बेंड रहेंगे, रिस्ट जो है थोड़ा सा हुक पोजीशन में रखनी है आपको, अंदर रखनी है, सीधी नहीं रखनी, हल्का सा ऐसे हुक पोजीशन में रखना है। हैवियर वेट्स पे आप थोड़ा बहुत टिप भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ जब आप बहुत ज्यादा हैवी वेट पे जाएं। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज है रिस्ट कर्ल्स। रिस्ट कर्ल्स हमारे कपिंग स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे फोरआर्म फ्लेक्सर्स को भी अच्छे से ट्रेन करती है। तो रिस्ट कर्ल में आप बड़ी वाली रॉड पे वेट लगा के आपको इसको सेंटर से पकड़ना है, बिल्कुल सेंटर से पकड़ना है। और अगर आपके थंब मोबिलिटी इतनी नहीं है तो आप थंब नीचे करके कर सकते हैं, नहीं तो थंब ऊपर करके करना है। दोनों हाथ के बीच में बस इतना ही गैप रहेगा और आपको ये दोनों हाथ आगे रख देने, रिस्ट हल्की सी बाहर निकालनी है और जो आपके पैर रहेंगे आप बेंच के आगे रख सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा भारी वेट होगा उतना ज्यादा आप आगे गिरेंगे, तो अगर आपके पैर आगे रहेंगे तो आप आगे नहीं गिरेंगे। आपके दोनों हाथ आपको ट्राई करना है टच रखें और दोनों हाथों के साइड में आपको पैर से होल्ड करके रखना है और थोड़ा सा लीन हो जाना है, फिर स्लो नीचे जाना है और फिर ऊपर। इसमें आप पूरा नीचे नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ इतनी ही रेंज में ट्रेन करना है। इसमें भी आप फैट ग्रिप लगा के कर सकते हैं, पर फैट ग्रिप पे आप हर चीज में आप थोड़ा सा कम वेट उठा पाएंगे, पर फैट ग्रिप लगा के आप और ज्यादा फोरआर्म फ्लेक्सर्स को
एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको भारी उठाना है तो आप बिना फैट लिफ्ट भी करें। यही सेम चीज आप एक हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन एक हाथ से करने के लिए आपको पहले दो हाथ से स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी बहुत ज्यादा। तो एक हाथ से करने के लिए आपको इसको थोड़ा बहुत सेंटर में पकड़ना है, अपना बैलेंस देखना है किस साइड को रॉड गिर रही है, फिर आपको अपना हाथ सेंटर में रखना है और अपनी बॉडी को थोड़ा उस साइड लीन करना है इस साइड को, और फिर स्लो नीचे जाके ऊपर आना है। ये जो एक हाथ वाली वेरिएशन थी रिस्ट कर्ल की, ये ज्यादा अच्छे से मिमिक करती है आर्म रेसलिंग को, तो आप दोनों वेरिएशन यूज कर सकते हैं। तो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है कपिंग के लिए, और सुपिनेशन बढ़ाने के लिए दूसरी एक्सरसाइज होगी इसी में। तो कपिंग बढ़ाने के लिए आपको एक हॉलो पाइप चाहिए, या फिर फैट ग्रिप अगर आपकी थोड़ी सी बड़ी है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी पाइप ले सकते हैं। आपको क्या करना है, बैंड लेने और बैंड ऊपर किसी बार पे लगा देने, और ये आपको स्ट्रेट वर्टिकली नीचे भी ला सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आगे एंगुलेशन के साथ आगे भी ला सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा आगे खड़ा हूँ, बिल्कुल इसके नीचे नहीं खड़ा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, ये जो पाइप है इसको बैंड के पीछे लगाना है, बैंड पाइप के आगे से आएंगे, मतलब जो आपकी तरफ हिस्सा है उस साइड बैंड रहेगा, ठीक है। फिर आपको अपनी ही साइड से हाथ इसमें डालना है और बैंड पाइप को पकड़ लेना है, ये तो ऐसा रहेगा। पाइप के आगे बैंड है, आपका हाथ इधर से आया था और आपने इसको ग्रिप कर लिया, तो आपको इसको पूरा अच्छे से फॉल्स ग्रिप या फिर कपिंग में अच्छे से पकड़ लेना है, थंब आपका बाहर रहेगा या ऊपर रहेगा, और फिर आपको नीचे बैठ जाना वापस। तो अब ये मेरे हाथ को ऊपर रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, मेरे रिस्ट को खोलने की कोशिश कर रहा है, और आपको इसके अगेंस्ट अपना हाथ एक तो नीचे ले आना है या फिक्स कर लेना है कहीं पे, या आप अपने हाथ से रोक सकते हैं, आपको कपिंग करनी है। या फिर आप इसके साथ थोड़ा सा नीचे वाला मूवमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आप थोड़ा सा रोइंग मूवमेंट भी ट्रेन कर सके। इसमें अभी आपका हाथ बीच में था, बैंड इस साइड थे, आप एक बार इसमें दोनों बैंड को अपने हाथ के इस साइड और दोनों बैंड को अपने हाथ के इस साइड लगा के भी ट्राई कर सकते हैं। जनरली बीच वाली बेस्ट है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे, आप ये दोनों हाथ उधर जा रहे हैं, तो अब आपके हाथ को एक खोल तो रही है साथ के साथ प्रोनेट भी कर रही है, आपको फिर इसके अगेंस्ट सुपिनेट भी करना पड़ेगा। तो जब आप नीचे इसको पुल करेंगे तो आपको लिटिल फिंगर से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है नीचे लाने में, क्योंकि आपके हाथ को उधर रोटेट भी कर रही है। तो आप ये वाली वेरिएशन भी ट्राई कर सकते हैं, कपिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत सुपिनेशन भी, या फिर आप दोनों ही बैंड को इस साइड ला सकते हैं, दोनों ही बैंड को इस साइड ला सकते हैं, ताकि आप अपने इंडेक्स फिंगर वाली साइड से ज्यादा मतलब हाई हुक ट्रेन कर सके, क्योंकि हाई हुक में आपको ऊपर से ज्यादा नीचे प्रेशर मारना है। इस एक्सरसाइज को आप बहुत ही हाई रेप रेंज में ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि बैंड से आप इतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं ले पाएंगे। केबल मशीन अगर आपके पास है तो आप कम रेप रेंज में भारी वेट पे भी कर सकते हैं, आप होल्ड्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बैंड्स है तो आप इसको हायर रेप रेंज में ट्रेन करो फेलियर तक, और लास्ट में आइसोमेट्रिक होल्ड के साथ आप इसको एंड कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो आप बैंड के साथ कर सकते हैं वो ये है, इसके लिए आपको थोड़ा भारी बैंड चाहिए, या फिर आप हल्के वाले दो तीन बैंड एक साथ लगाए कर सकते हैं। आपको थंब के इस साइड डालना है जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में डाला था, ताकि ये बैंड इस साइड आए, और आपको इसके अगेंस्ट सुपिनेट करना है। आप ये जो एंगल रहेगा ये ऑलमोस्ट सीधा रहेगा, सीधे थोड़ा सा ऊपर रखना है आपको, और जैसे आर्म रेसलिंग में हम नीचे जाते हैं सेम वैसे नीचे जाना है, लेकिन इस हाथ को पूरा सुपिनेट करके और यहाँ पैड पे मार के ये। इसमें भी आप फैट ग्रिप लगा सकते हैं, मैंने फैट ग्रिप बिल्कुल बीच में लगाई है। तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर से पकड़ना है इसको ऐसे ये, और फिर इसके अगेंस्ट नीचे जाना है सेम। तो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चिनअप। चिनअप डायरेक्टली आर्म रेसलिंग को ट्रेन नहीं कर रही, लेकिन चिनअप आर्म रेसलिंग का बेस अच्छा करने में बहुत हेल्प करती है।
चिन अप में आप वही सारी मसल्स यूज कर रहे हैं जो आप पिछले वीडियो में जो मैंने न्यूट्रल पुलअप्स बताए थे उसमें कर रहे थे, बस ज़्यादा फोकस आपके बाइसेप पे आ जाता है। तो चिन अप अगर आपको हैवियर वेट्स पे करने हैं तो आप जैसे चिन अप्स करते ही हैं वैसे ही करने हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत आर्म रेस्लिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन करना है और अपने आर्म्स को ज़्यादा ट्रेन करना है तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हॉलो बॉडी में ट्रेन कर सकते हैं और हाइट पे जा सकते हैं, और नीचे पूरा आपको ओपन नहीं करना हाथ, थोड़ा सा बेंड रखना है। तो ये थी 5 एक्सरसाइज हुक के लिए, तो ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ट्रेन करने के लिए, आर्म रेस्लिंग सिर्फ एक टेबल है, तो आप अपने ओपोनेंट के साथ कैसे आर्म रेस्लिंग की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।